सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, प्रोसेसर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्मार्टफोन के अंदर, चाहे वो गेमिंग की बात करें, कैमरे की बात करें, रैम सपोर्ट की बात करें, वाईफाई की बात करें, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, लगभग हर चीज जो आपके फोन में है वो प्रोसेसर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। यहाँ तक की बात करते हैं APU, GPU या फिर आपका CPU, तीनों चीज़ें ही है मतलब कि एक साथ आज की तारीख में चिप के अंदर आपको मिल जाती है। तो आज हम जिन दो प्रोसेसर के बारे में बात करने वाले हैं या कंपैरिजन करने वाले हैं वो है Helio का P70 और Snapdragon का 675। दोस्तों, जो 675 जो प्रोसेसर है Snapdragon का वो अभी अभी Redmi Note 7 Pro के अंदर लॉन्च हुआ है और इसका मैं P70 से इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि एक फ़ोन है जो मुझे, आपको, सबको ही पता है कि वो Redmi से सीधा सीधा टक्कर लेता है और बजट सेगमेंट के अंदर पिछले 8 महीने के अंदर काफ़ी कमाल धमाल उन्होंने कर दिया है और उसका एक नया फ़ोन अभी आने वाला है जिसके अंदर Helio का P70 का प्रोसेसर होगा। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों को कंपेयर करना क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर आप कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो उसमें प्रोसेसर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, जैसा कि मैंने बताया, प्ले करता है, तो कहीं आपकी परफॉर्मेंस जो है फ़ोन की कहीं कम ना हो। तो इस वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा कि P70 जो है वो ज़्यादा दमदार है या 675 जो है वो ज़्यादा दमदार है और अगर फ़र्क है तो वो कितना फ़र्क है। सबसे पहले इनकी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, दोनों ही प्रोसेसर जो है 64-bit के ऊपर चलते हैं। Snapdragon 675 जो है वो 11 nanometer की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ प्रोसेसर है जबकि Helio P70 जो है वो 12 nanometer की टेक्नोलॉजी बना हुआ है। दोनों ही प्रोसेसर जो है LPDDR4X को सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली दोनों के अंदर आपको हाई स्पीड रैम देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं तो Helio P70 का चिपसेट जो है उसके अंदर Cortex A53 और Cortex A73 इसके ऊपर बेस्ड है और मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 2.1 GHz की फ्रीक्वेंसी तक जाती है। ये लगभग 13% आपका बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी P60 के मुकाबले। वहीं अगर Snapdragon 675 की बात करते हैं तो ये Cortex A76 के चिपसेट पे बेस्ड है और इसके अंदर आपको Cryo का 460 का CPU देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको 6 एफिशिएंट कोर देखने को मिलेंगे जबकि 2 आपको परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 2.0 GHz तक जाती है और ये 660 के मुकाबले लगभग 20% बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो चुका है कि P60 से P70 काफ़ी अच्छा है और 660 से जो है 675 जो है परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसे में ये दोनों प्रोसेसर जो है अभी लेटेस्ट हो जाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। बात करते हैं इनके कैमरा सपोर्ट के बारे में। यहाँ पर P70 जो है वो 32 megapixel कैमरा तक को सपोर्ट करता है और अगर ड्यूल कैमरे की बात करते हैं तो 24 megapixel प्लस 16 megapixel का ड्यूल कैमरे को भी सपोर्ट करता है। इस प्रोसेसर के अंदर आपको बेटर कैमरा, AI के फीचर देखने को मिल जाएगा, AI इसका सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, रियल टाइम ब्यूटिफिकेशन मोड आपको देखने को मिल जाएगा और सीन डिटेक्शन इसके अंदर AI के थ्रू देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के बारे में तो ये आपका 48 मेगापिक्सल तक के कैमरे को सपोर्ट करता है और ट्रिपल कैमरे को भी सपोर्ट करता है। तो ऐसे में इसके अंदर काफ़ी अच्छा जूम फीचर आपको मिल जाता है, 5x का हाइब्रिड जूम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और जहां इसके अंदर कैमरे की बात आती है तो 675 जो है 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है 30 frames per second पे और 1080 को 120 frames per second के हिसाब से रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में डेफिनेटली दोस्तों, अगर कैमरे की बात करते हैं तो वहाँ पर जो 675 है वो आगे निकल जाता है P70 के मुकाबले और अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो GPU है या फिर आपका प्रोसेसर है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा 675 का P70 के मुकाबले। तो यहाँ पर तो प्रोसेसर जो है थोड़ा सा आगे निकलता हुआ जा रहा है। अब बात कर लेते हैं गेमिंग के बारे में, मतलब GPU के बारे में। तो P70 के अंदर आपको Mali का G72 का GPU देखने को मिल जाता है जिसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है 900 MHz तक जाती है। वहीं पर इसके अंदर रेजोल्यूशन जो है आपको 1080 यानी कि Full HD+ का आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सपोर्ट करता है H.264 और H.265 वीडियो कोडेक को। और अगर बात करते हैं 675 की तो इसके अंदर आपको एड्रेनो का 612 का GPU देखने को मिल जाता है जो कि OpenGL को भी सपोर्ट करता है, 4K वीडियो को भी सपोर्ट करता है और H.265 को भी सपोर्ट करता है। सो दोस्तों, आपने H.264 H.265 आपने सुना और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में होता क्या है। जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं जो कि हाई क्वालिटी की वीडियो होती है, ऐसे में जो इनका GPU है वो काफ़ी हद तक काम करता है ताकि आपका लॉस ना हो वीडियो का भी और ऐसे में देखने में आपकी फाइल जो है काफ़ी हैवी ना हो। तो वो क्या करता है, मान लीजिए अभी आप मेरे को देख रहे हैं तो ज़्यादा मूवमेंट जैसे मेरे हाथ की हो रही है लेकिन पीछे में मेरा बैकग्राउंड जो है वो स्टिल है, तो इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ये इस चीज़ को देख लेता है कि हाँ ये ज़्यादा मूवमेंट वाली चीज़ है तो पिक्सल्स को ज़्यादा इस चीज़ से फोकस करो और पीछे वाले को जो है आप नॉर्मल ऐसे रहने दो। तो ऐसे में जो मूवमेंट जहाँ पर हो रही है वहाँ पर इसका GPU जो है ज़्यादा फोकस करता है, ऐसे में ज़्यादा डेटा का लॉस हुए बगैर आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो इस तरीके कोडेक जो है आज की तारीख में GPU के अंदर आ रहे हैं और एक से ज़्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाला टाइम जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि प्रोसेसर के अंदर AI के ऐसे ऐसे फीचर्स आ रहे हैं जो कि हैवी फाइल को भी, मतलब 4K जो आपके वीडियोस होते हैं उनको भी आप
बहुत अच्छे से देख पाएंगे, मतलब ज़्यादा बफरिंग नहीं होती है इंटरनेट के ऊपर, और आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वीडियो, बैकग्राउंड सेम है इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होगा, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है तो उस पर फोकस कर लिया जाएगा। तो इस तरीके कोडेक जो है वो आपको वीडियो इंप्रूवमेंट के अंदर काफ़ी काम आते हैं। अब जब बात जो है वो AI की चल रही है, तो इन दोनों प्रोसेसर का हम AI भी आपस में कंपेयर कर लेते हैं। हीलियो P70 के अंदर आपको न्यूरो पायलट इंजन देखने को मिलने वाला है, और ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली आप समझ लीजिए एक प्रोसेसर के अंदर तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक CPU, एक GPU और एक APU। अब नॉर्मली क्या होता है, ये AI का एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी गई है कि जिस चीज़ की प्रोसेसिंग की जरूरत है नॉर्मली प्रोसेसर सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करेगा, अगर वो ग्राफिक की जरूरत है तो GPU उस पर फोकस करेगा, AI की जरूरत है तो APU उस पर फोकस करेगा, और अगर वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का अगर वो काम है तो वो उसके ऊपर फोकस करेगा। तो ऐसे में काम आपस में बढ़ जाता है बड़ी ही इंटेलिजेंस के साथ, और ज़्यादा प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ज़्यादा फोन आपका हीटअप नहीं होता है, और जिस डिपार्टमेंट में जरूरत होती है उसी डिपार्टमेंट में वो पायलट काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ऐसे में CPU, GPU और APU तीनों के अंदर अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ज़्यादा आपके जो प्रोसेसर है या फोन के ऊपर ज़्यादा आपके लोड नहीं पड़ता है और ज़्यादा गर्म नहीं होता है, और काफ़ी एफिशिएंसी के साथ ही काम कर लेता है। बात करते हैं AI की स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के अंदर, तो 675 जो प्रोसेसर है उसके अंदर आपको मल्टी कोर AI का इंजन मिलने वाला है, जो कि क्लेम करता है काफ़ी स्मार्ट काफ़ी स्मूदर एक्सपीरियंस का, और ये 500% बेटर है उसके प्रीवियस वर्जन से यानी कि 660 से। तो डेफिनेटली AI में काफ़ी इंप्रूवमेंट की है स्नैपड्रैगन 675 के प्रोसेसर के अंदर, और हम देखेंगे जैसे मैं Redmi Note 7 Pro मेरे हाथ में आता है तो डेफिनेटली कितनी परफॉर्मेंस के अंदर एनहांसमेंट हुई है। और अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, क्योंकि आज की तारीख में स्मार्टफोन का दूसरा नाम कनेक्टिविटी है, मतलब कनेक्टिविटी होगी, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कैसी है, वाईफाई की कनेक्टिविटी कैसी है, या फिर अपलोड या डाउनलोड की स्पीड कैसी है। यहां पर अगर बात करते हैं P70 की, तो 4G LTE मॉडम को सपोर्ट करता है और मैक्सिमम 300 Mbps की डाउनलोड को सपोर्ट करता है। इसके अलावा वाईफाई के अंदर आपको कैट 7 का डाउनलोड और कैट 13 का आपको अपलोड मिल जाएगा, ब्लूटूथ 4.2 का इसके अंदर आपको सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करते हैं तो 675 के अंदर आपको X12 का LTE मॉडम मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको वूपिंग 600 Mbps की जो है डाउनलोड मिल जाएगी, और साथ में आपको 150 Mbps की जो है वो अपलोड स्पीड मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वाईफाई की, तो ये चिपसेट सपोर्ट करता है वूपिंग स्पीड ऑफ 867 Mbps, और इसके अंदर आपको जो है ब्लूटूथ 5 का जो है सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है 675 जो है बाजी मार के ले जाता है। और अगर बात करते हैं दोनों चिपसेट की, तो दोनों ही चिपसेट जो है आपको ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट देते हैं। तो ऐसे में अगर बात करते हैं आर्किटेक्चर की, GPU की, AI की, कैमरा सपोर्ट की या कनेक्टिविटी की, तो हर एक के अंदर जो है फिलहाल तो 675 जो है बाजी मारता हुआ ले जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपको दो फोन मिलते हैं जिनका प्राइस सेम है, लेकिन अगर एक में प्रोसेसर 675 का है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए जा सकते हैं। ये था मेरा बिल्कुल फेयर दोनों का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इन डेप्थ और कुछ नॉलेज चाहिए उन दोनों प्रोसेसर के बारे में, तो कमेंट में नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं डिटेल में आपको बता सकूं उस प्रोसेसर के बारे में, और या फिर किसी और आपको प्रोसेसर का कंपैरिजन चाहिए होगा तो वो भी आप मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। इसी तरीके की वीडियो डेली देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।